तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया नेकबैंड जो कि पूरे के पूरे 300 घंटे का बैटरी बैकअप देती है। हालांकि दोस्तों कैमरे में आपको उल्टा देख रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा गर्मी के कारण पागल सा हो चुका है। और दोस्तों ये चीज की रिकमेंड मेरे एक दोस्त ने की थी कि कोई आप ऐसी चीज का अनबॉक्सिंग करें जो कि ज्यादा बैटरी बैकअप देती हो और साथ ही साथ मेड इन इंडिया भी हो। तो दोस्तों मैं यही खा के ले आया क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। दोस्तों आज अपना शूटिंग में घर से तो नहीं कर पाया इसीलिए आपको मेरे स्टॉप से ही आज काम चलाना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी मुझे बताइएगा कि आप कौन सा नेकबैंड यूज करते हैं तो मैं भी उस नेकबैंड पे रिसर्च कर पाऊँ और दूसरे लोगों तक ये पहुंचा सकूँ कि वो भी यही नेकबैंड यूज करें अगर अच्छी आती हो तो। चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीजें इसमें हमें मिलती है और क्या चीजें नहीं मिलती और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी और कैसी है साउंड क्वालिटी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जैसे 300 घंटे का ये बैटरी बैकअप देता है माइंड ब्लोइंग बास के साथ, और प्रॉमिस भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉमिस भी किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। देखते हैं कितनी प्रॉमिस की गई है इसमें। और मॉडल नंबर दोस्तों इसका ये है UIN B 2979 और मेन चीज़ UI का लोगो, सो किड्स सीरीज है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं देखने में कुछ ऐसा ये बाहर से दिखता है दोस्तों। ओके दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग क्या है कैसा है। और पीछे तो पीछे से दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपनी मेन लोगो इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए, और साथ ही दोस्तों कुछ डिटेल्स दी गई यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चर बाय उमा इनफैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और एड्रेस MRP दी गई है इसकी प्रिंट MRP जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों इसको खोल के देखते हैं क्या है कैसा है। और बहुत ही अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं माइंड ब्लोइंग प्रॉमिस फलाना ढिमक्का। और ये इसके इसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो दिए गए हैं। ब्लूटूथ वर्जन है दोस्तों इसका 5.0, हालांकि पुराना वर्जन है। और टॉकिंग टाइम 300 घंटे दिए गए हैं, म्यूजिक टाइम भी 300 घंटे के दिए गए हैं, स्टैंड बाय टाइम टू ईयर, ओ माई गॉड माइंड ब्लोइंग। यानी कि अगर आप दोस्तों नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं तो 2 साल तक चल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कंपनी क्लेम करने वाली पहली ये कंपनी मिली UI। हालांकि दोस्तों मैंने बहुत सारे नेकबैंड की अनबॉक्सिंग की है, कुछ चीज़ें अनबॉक्सिंग मैंने आपको करके दिखाई और कुछ चीज़ें नहीं भी की। चार्जिंग टाइम दोस्तों इसका 8 घंटा है, Micro USB केबल साथ में आता है दोस्तों इसके, और इसकी ट्रांजेक्शन डिस्टेंस 32 फीट यानी कि 10 मीटर के आसपास है। हालांकि दोस्तों ये मोबाइल पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी रेंज कितने तक होती है। आउटपुट पावर इसका 3 ohms है, सेंसिविटी 120 बाइट और फ्रिक्वेंसी रेंज 20 से 20 kHz। इनपुट पावर दोस्तों उसका 1 एम्पियर है और बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हैं जो अपने काम की नहीं है। ये दोस्तों कुछ इसकी पॉलिसी है जिसे आपको देखना है, जैसे कि आपको इसको ड्राइविंग या साइकिलिंग करते समय नहीं यूज़ करना, दूसरा दोस्तों की ज़्यादा आवाज़ में नहीं सुनना, और तीसरा दोस्तों के ओवर चार्जिंग नहीं करना, ये सब चीज़ें लिखी है। चलिए दोस्तों खोल के देखते हैं क्या है कैसा है अंदर कैसी चीज़ें दी जाती है। दोस्तों बात करें इसकी तो एक आपको स्टार्टिंग में लोगो मिल जाएगा UI कंपनी का, प्लीज़ चार्जिंग टाइम डिवाइस बिफोर यूज़, यानी कि यूज़ करने से पहले आप इसको फुल चार्जिंग कर दें। बॉक्स तो दोस्तों हालांकि मरियल सा है, आपको भी बता रहा हूँ, ये पता सॉरी मजाक, दिखने में दोस्तों ये है V8 का केबल, देख सकते हैं आप V8 का केबल है ये, ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, यही कोई 6 इंच जैसा है, वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये है हमारी मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हमने आज अनबॉक्सिंग की है, कुछ दिखने में ऐसा दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हैं UI का लोगो है दोस्तों और मैट फिनिशिंग है इसकी, और काफ़ी फ्लेक्सिबल है आप देख सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी है दोस्तों। हालांकि मोटा इसीलिए क्योंकि इसकी बैटरी
बहुत बड़ी है, इसकी वजह से इसकी जो मेन फिनिशिंग है वो थोड़ी मोटी हो चुकी है, यानी कि आप अगर पहनेंगे तो शायद से हल्का सा आपको भारी भारी सा लग सकता है। बाकी इसकी इसकी मेन चीज़ इसकी बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये कुछ उसकी चीज़ें लिखी गई है, कब इसको डिज़ाइन किया गया, कब क्या किया गया। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मजबूत भी है, और ये उसकी जो हम अपने कान में लगा के सुनने वाले हैं वो है, और ये है इसका मेन सप्लाई, जहाँ से आप प्लस माइनस रिवर्स फॉरवर्ड कॉल अटेंड कॉल ड्रॉप, और साथ ही एक माइक दिया है छोटा सा ये रहा, और यहाँ से आप इसको चार्जिंग भी कर सकते हैं, ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट, और दोस्तों कि चालू भी हो गया ये देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही स्पीडली काम काज है इसका। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो देखने में दोस्तों कुछ ऐसी लगती है ये दोस्तों, आपको मार्केट में इजीली कोई भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी ये, अप्रोक्स आपको 1500 से 1300 के बीच पड़ सकता है, अलग अलग शॉप में अलग अलग इसकी रेट होगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखता है ये नेक बैंड, बात करें इसकी वॉइस क्वालिटी की तो दोस्तों इसको मैंने ऑलरेडी सुन लिया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ये कैसा है। बात रही इसकी दोस्तों साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही गजब है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है सुनने में, कंप्लीट इसकी बास सुनाई देती है हमको, कंप्लीट इसके साउंड के बीट्स भी सुनाई देते हैं, और दूसरी बात कि जब आप इसको अपने कान में लगाएंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा नॉइस है वो बिल्कुल ही नहीं आएगी, बड़ा ही मज़ा आता है सुनने में, काफ़ी प्रो वाली फीलिंग आती है, जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हैं ऐसी फीलिंग आएगी। हालांकि आपने अगर JBL या बॉट्स के ईयरबड्स लिए होंगे, नेकबैंड लिए होंगे, तो उससे भी ज़्यादा ये आपको मज़ा देने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने पर्सनली सुना है। तो दोस्तों अगर आप भी 15,000 की बजट में ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला नेकबैंड लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, यही लीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आपके पास हाल फिलहाल कौन सा नेक बैंड है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी अगर कोई अच्छी कम रेट में अच्छी नेक बैंड चाहिए हो तो वो भी ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।